हेलो स्टूडेंट, देखिए मैं आज आपको जो समझाने वाला हूँ वो समझाने वाला हूँ बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखे, क्योंकि हमारे जो एग्जाम है बोर्ड एग्जाम यूपी बोर्ड के, वो 16 फरवरी से स्टार्ट है। तो देखिए, हमें इस पूरी वीडियो में यही बात करनी है कि हम बोर्ड एग्जाम में अपनी कॉपी को किस टाइप से लिखें, किस प्रकार की राइटिंग हमारी होनी चाहिए कि जिससे ज्यादा नंबर हमारे आ सके। देखिए, हम सभी जानते हैं कि अच्छा राइटिंग अच्छे नंबर पाने का एक कारण बन सकता है, और होता भी यही है कि अगर किसी बच्चे का राइटिंग अच्छा है तो हम अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, एक बार को ये भी देखा जा सकता है कि बच्चे ने कम लिखा है लेकिन राइटिंग अच्छा है, तो जो एग्जामिनर कॉपी चेक करते हैं आपकी, थोड़ा अलग सा आपकी कॉपी का अलग एक्सप्रेशन जाता है, उससे इंप्रेशन जाता है। तो देखिएगा, हम इसको मैं समझा रहा हूं आपको। सबसे पहले जो बच्चों अपना क्वेश्चन पेपर है क्या है, तो 15 मिनट जो दी जाएंगी, 3 घंटे 15 मिनट का आपका एग्जाम होगा। क्या होगा? 3 घंटे 15 मिनट का एग्जाम होगा। उसमें 15 मिनट में आपको अपने पेपर को पूरा पढ़ना है पहले, और देखना है कि हमें कितना आता है पेपर में, कितना हमें टाइम देना है, उस हिसाब से कर ले रहा है। देखिए, वैसे तो 3 घंटे 15 मिनट का जो एग्जाम होगा, अच्छे बच्चे की पहचान वो है कि अपना लगभग पूरे 3 घंटे में, 2 घंटे 45 मिनट में अपना एक क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट करे, और जो रिमेनिंग टाइम रह जाएगा उसमें अपने जो लिखा है तुमने उसकी जांच करनी चाहिए। ठीक है, देखिए जैसे उसमें मान लो हम साइंस का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो साइंस के पेपर में बच्चों 3 सेक्शन आएंगे आपको। सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए को हिंदी में इस टाइप से आएगा, खंड कै, खंड खै और खंड गै, इस टाइप से आएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमें, और इस बार जो हाई स्कूल में या 12th लेवल पे भी अगर मैं बताऊं, जैसे आपको ऑब्जेक्टिव लिखने हैं इस बार हाई स्कूल में, जो 10th की क्लास है उसमें तो ऑब्जेक्टिव आपको OMR शीट में भरने पड़ेंगे, लेकिन जो 12th क्लास है उसमें ऑब्जेक्टिव को हमें कॉपी में लिखना पड़ेगा अपनी। तो याद क्या रखना है, जैसे सबसे शुरू का जो सेक्शन है, हालांकि 12th क्लास के पेपर में बहुत सारे, फिजिक्स के पेपर में बहुत सारे सेक्शन आते हैं, लगभग ई तक सेक्शन आते हैं। तो सबसे पहले सपोज करो हमें सेक्शन ए सॉल्व करना है या खंड कै सॉल्व करना है, तो सबसे पहले इसमें क्या करना, अगर ऑब्जेक्टिव हमें कॉपी में लिखने हैं जैसे 12th क्लास वालों को, तो क्या काम करना हमें ऑब्जेक्टिव को, या अगर हमें ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट याद है तो हम उनको सॉल्व करने देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्टिव ऐसा है कि सॉल्व करना है तो उसको रफ बाद में, तो सबसे कॉपी के सबसे लास्ट में उसको रफ पेपर बना लो एक, वहां पे सॉल्व करके देखो। और लिखना कैसे है, जैसे मान लो याद रहे कि हमें क्वेश्चन की जो आंसर, क्वेश्चन का जो आंसर लिखेंगे हम, पूरी पहचान लिखनी है। क्या लिखनी है? पूरी पहचान। इससे यह फायदा लगेगा, जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा उसको आसानी होगी आपकी कॉपी चेक करने में। जैसे मान लो हमें हमें सोल्व हमने सोल्व किया फर्स्ट का ए का, फर्स्ट का ए ये सोल्व किया, फर्स्ट का ए ये सोल्व किया, तो हमें इस टाइप से लिखना पड़ेगा फर्स्ट का ए, और जो अपना आंसर है, मान लो फर्स्ट आंसर है और ये है यूनिटी, मान लो न्यूटन पर कूलाम है, तो ये हमें आंसर भी लिखना पड़ेगा और ये ऑप्शन भी दिखाना पड़ेगा ये कौन सा है। और याद रहे जो ये आंसर है, हाशिया बनाने के बाद ये कुछ बच्चे क्या काम करते हैं, कॉपी पे दोनों तरफ लाइन खींच देते हैं, एक इधर भी खींच ली, जैसे ये कॉपी है मान लो, कॉपी का पेज, ये हाशिया इधर भी बना लिया, इधर भी बना लिया, इससे बहुत छोटा गैप हो गया। ये ऐसा नहीं करना बच्चों, आपको क्या काम करना है, आपको इस कॉपी के एक तरफ यह हाशिया बनाना है और हमें आंसर यहां से लिखना स्टार्ट करना आगे से, जैसे
आंसर नंबर फर्स्ट का ए, इसका ऑप्शन है ये न्यूटन पर कूलाम। ऐसा क्यों करना चाहिए? क्योंकि बच्चों जब आपकी जो नोटबुक कॉपी एग्जाम कॉपी है वो सिली जाएगी तो ये वाला जो पेज है वो ढक जाता है दूसरे पेज के नीचे, इतना इतना हाशिया ढक जाता है। अगर आप आंसर यहीं पे डाल देंगे तो आपका आंसर एग्जामिनर को दिखाई नहीं देगा क्योंकि वो सिला हुआ है। तो क्या काम करना है, हाशिया बनाने के बाद आगे डालना है, ठीक। इसके बाद आंसर नंबर फर्स्ट का बी, उसके लिए भी ऐसे लिखना है। तो इस प्रकार से हम ऑब्जेक्टिव लिखने हैं, या क्वेश्चन भी हो, सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, उनके आंसर भी इस टाइप से लिखने हैं। ये तो हो गया मान लो सेक्शन ए। फिर क्या काम करना है, मान लो सेक्शन ए कंप्लीट कर लिया आपने, उसके बाद सेक्शन बी, उसके मान लो आंसर नंबर हमें दूसरा दूसरे का ए लिखना है, तो यहां से आगे वो स्टार्ट करना है हमें। तो इस टाइप से हम अपने जो आंसर हम लिख रहे हैं उसकी पूरी पहचान लिखनी है बच्चों। मतलब ये है कि अगर हमें तीसरे का बी करना है तो आंसर तीसरे का बी, ठीक है। और क्या करना है, देखो सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप जब क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना शुरू करें तो सीक्वेंस के हिसाब से सॉल्व करना शुरू करें। जैसे फर्स्ट का ए सॉल्व करा, मान लो फर्स्ट का बी याद नहीं है तो उसके बाद फर्स्ट का सी अगर याद हो तो उसके बाद, मतलब सीक्वेंस में आने चाहिए लगातार। ऐसा नहीं हो शुरू में लिख दिया पांचवे का बी और बाद में लिख लिया फर्स्ट का ए, इस टाइप से नहीं करना आपको। मतलब ये है कि जिसका नंबर पहले है उसको पहले सॉल्व करना है, जिसका नंबर बाद में है उसको बाद में। अच्छा तरीका तो यही है, लेकिन उससे भी ऐसा नहीं है कि अगर आप पांचवे का बी पहले कर रहे हो, जो याद है आपका पहले कर रहे हो, और बाकी जो शुरू वाले उसको बाद में कर रहे हो, नंबर तो नहीं कटेंगे लेकिन थोड़ा सा एक अजीब सा हो जाता है जब कॉपी चेक होती है आपकी। तो क्या काम करना है आपको, क्रम से पेपर को सॉल्व करना है और सीक्वेंस में आंसर उसके देने हैं। हर सेक्शन का नंबर डालना है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, ठीक। ये तो इस टाइप से लिखने का तरीका हो गया। और हाँ, याद रहे कि जब अपना आंसर सोल्व होके आएगा, मान लो मैथ या फिजिक्स या केमिस्ट्री जिसमें भी है आंसर सोल्व हो गया, फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला हो या आंसर हो लास्ट में जाके बॉक्स में जरूर बंद करना है। मान लो इसका ये आंसर आएगा 14.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का, तो हमें इसको बॉक्स में जरूर बंद करना है और नीचे लिखाना है आंसर इस टाइप से। और फॉर्मूले को, हर जो फॉर्मूला देना है उसको बॉक्स में जरूर बंद करना है बच्चों, ठीक। तो ये है इस टाइप से लिखने का तरीका। और क्या काम करना है बच्चों, देखिएगा जो मेन पॉइंट है, जैसे मान लो कोई डेफिनेशन हम लिख रहे हैं, मान लो कोई डेफिनेशन लिख रहे हैं तो उस डेफिनेशन में कुछ ऐसी बातें आएंगी जो मेन है बहुत ज्यादा, तो या तो उनको अंडरलाइन करो, या तो उनको अंडरलाइन करो या उनको ब्लैक पेन से लिखो, जिससे एग्जामिनर को दूर से चमके कि हाँ बच्चे ने ये मेन पॉइंट लिखा है। और किसी डेफिनेशन, किसी टॉपिक से रिलेटेड नोट पॉइंट अगर आप दे सको, नोट पॉइंट, तो सबसे ज्यादा बेहतर वो है। और अगर आप अपनी बात को, मान लो कोई टॉपिक है और लॉन्ग डिटेल में लिखना है, उसको अगर आप पॉइंट वाइज समझा रहे हो कि ये इसमें ये चीज इसमें भी होती है, ये चीज इसमें भी होती है, ये चीज इसमें भी होती है, इस चीज में ये होता है, इस चीज में ये होता है, तो और भी अच्छा है। क्योंकि एग्जामिनर जब कॉपी चेक करेगा वो तो पॉइंट पॉइंट चेक करता आगे चला जाएगा, ठीक है। अगर डायग्राम है, अगर आंसर में आपके डायग्राम है तो उसको सेपरेट पेज पे बनाओ अच्छे तरीके से, सबसे अच्छा डायग्राम लगना चाहिए, क्योंकि सबसे पहला जो व्यू जाएगा वो आपका हो जाएगा। डायग्राम और थ्योरी पे इतना नहीं जाता है, लेकिन हमको डायग्राम भी बहुत अच्छे तरीके से बनाना आना चाहिए, ठीक है। फिर क्या है, अगर मान लो
एक पेज है ये, और हम ऊपर से आंसर लिखते हुए आ रहे हैं, और लास्ट में तीन चार लाइन रह गई और आंसर हमारा खत्म हो गया। तो हमें क्या काम करना है, यहीं पे आंसर अपना छोड़ के पूरा करके नेक्स्ट पेज पे अगला आंसर लिखना है, और यहां पे लिख देना है PTO, इसका मतलब है प्लीज टर्न ओवर, कृपया अगला पेज पलटिए। ठीक, इस टाइप से हम कर सकते हैं। और मान लो किसी टॉपिक का मेन टॉपिक है और उसको बड़ा टॉपिक है या मेन टॉपिक है, उसमें क्या काम करना है, मान लो हमें समझाना है सोलर सेल, क्या समझाना है सोलर सेल, तो उसको बीचों बीच हम लिखेंगे, बीचों बीच। और इसकी अगर सब हेडिंग है तो साइड में लिखेंगे, जैसे कंस्ट्रक्शन हो गई, कंस्ट्रक्शन हो गई, और इसके अदर पार्ट हैं साइड में लिखते चले जाएं, लेकिन जो मेन हेडिंग है उसको बीच में लिखेंगे। ठीक है, और याद रखेंगे हर हेडिंग को इस टाइप से सजाना है हमें कॉपी में अपनी, जैसे पैराग्राफ टाइप, जो बुक में लिखे रहते हैं पैराग्राफ। अगर कोई थ्योरी बहुत ज्यादा लंबी है तो उसको भी पैराग्राफ में तोड़ तोड़ के लिखें, ऐसा नहीं है पूरा लिखते चले जा रहे, ये पता नहीं चला कि कहां से शुरू हुआ कहां एंड हुआ, ऐसा भी नहीं करना। ठीक है, और बेहतर तो ये भी है कि अगर आप आंसर साइड में ना लिख के, आंसर नंबर साइड में ना लिख के, आंसर नंबर हम बीच में डाल दें, जैसे आंसर सेकंड का सी। ठीक, और यहां पे हेडिंग डाल दें हम ट्रांसफॉर्मर, और इसके मेन पार्ट समझाते चले जाए तो ये भी बेहतर है। ठीक है, तो ओवरऑल हमें ये देखना है कि हमारी कॉपी एग्जामिनर को कैसे अट्रैक्ट कर सकती है, आकर्षक कॉपी कम कैसे लिखें, सबसे मेन बात है एग्जाम में। कभी कभी ऐसा होता है बहुत बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन राइटिंग उनका खराब होता, लिखने का स्टाइल उन पर नहीं आता, तो उनके एग्जाम में नंबर कम आ जाते हैं। तो हमें इस बीमारी से बचने के लिए क्या काम करना है, हमें अभी से ही 3-3 घंटे के टेस्ट देने हैं, लगभग 4-5, जब तक हमारे एग्जाम शुरू नहीं होते हर सब्जेक्ट के। तो उससे हमें हमारे अंदर पोटेंशियल डेवलप होगा 3-3 घंटे बैठने का, और हमें पता भी लग जाएगा कि हम किस टाइप से कितने टाइम में, टाइम मैनेजमेंट भी एक अच्छी बात है, टाइम मैनेजमेंट। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं 3 घंटे 15 मिनट के बाद भी पेपर सॉल्व नहीं कर पाते, तो इसलिए अगर आप 3-4 टेस्ट 3-3 घंटे के दे लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, तो टाइम मैनेज हो जाएगा, उससे लगभग 2 घंटे 45 मिनट में आपका पेपर सॉल्व होना चाहिए, इससे फायदा लगेगा हमें कॉपी को अपना चेक करने का, बाद में लिखने के बाद टाइम बच जाएगा, उसमें कॉपी चेक कर लो अपनी कि क्या कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं। और याद रहे ऐसा ना हो कि हम आंसर तो लिख रहे हैं तीसरे के ए का, लेकिन डिटेल में हमने यहां पर डाल रखा आंसर नंबर दूसरे का बी, जबकि आंसर लिख रहे हैं हम तीसरे का ही, तो इससे भी आपका गलत हो सकता है, इस टाइप से भी नहीं करना, चेक कर लेना है। और लास्ट में क्या चेक करना है कि क्या हमारा कोई आंसर छूटा तो नहीं, कभी कभी धोखे में आंसर क्वेश्चन ही छूट जाता है और बाद में याद आता है, तो इस चीज से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, सारे अपने क्वेश्चन चेक कर लेने चाहिए क्या हर क्वेश्चन का आंसर हम दे चुके, और एग्जाम में आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना, अगर कोई क्वेश्चन रह भी रहा हो तो उससे मिलता जुलता डिटेल में कुछ देख के जरूर आए। ठीक है बच्चों, तो इस टाइप से हमें अपने एग्जाम कॉपी को लिखना है। याद रहे
राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा लिखें और अच्छे नंबर पाएं, ठीक है। और जो आप तब जब जब आप एग्जाम में जाओगे तो अपने जो पेन है आप स्केल वगैरह साथ लेके जाएं, पेन को एक आध दिन चला पहले एग्जाम से एक दो दिन पहले चला के जरूर देख लें, पहले लेके रख लें, क्योंकि अगर आप एग्जाम के दिन ही नया पेन लोगे तो वे पेन शुरू शुरू में ठीक नहीं चलते हैं, रफली राइटिंग आती है उनसे, तो इसलिए दो तीन दिन पहले एग्जाम से एक पेन खरीद के वो चला के थोड़ा थोड़ा चला के रख ले। तो ये थी बच्चों कुछ टिप्स, तो क्या क्या मैं एक बार दोबारा रिवाइज कर सकता हूँ देखिएगा, आंसर नंबर की डिटेल सेक्शन डालें, कौन सा आंसर लिख रहे हैं उसकी डिटेल पूरी लिखें, मेन मेन हेडिंग को बीच में लिखें, जो कुछ नोट पॉइंट है उनको पॉइंट वाइज बना के लिखें, कोई डेफिनेशन को आप पॉइंट में दे रहे हो तो बहुत भी अच्छी बात है, कोई टॉपिक को आप पॉइंटों में समझा रहे हो बहुत बढ़िया बात है, जो मेन पॉइंट आया उसमें अंडरलाइन कर रहे हो ब्लैक पेन से लिख रहे हो बहुत बढ़िया बात है। आपका आंसर अगर पूरा पेज पे नहीं आ पाया और दो तीन लाइन रह गई है तो नेक्स्ट जो आंसर लिखेंगे पेज अगले पेज पे लिखेंगे और वो साइड में लिख देंगे नीचे प्लीज टर्न ओवर पीजी, ठीक है। और आपका अगर कोई फॉर्मूला हो या आंसर आया हो न्यूमेरिकल का सॉल्व करके उसको बॉक्स में लास्ट में जाएंगे बॉक्स में जरूर बंद करें, फॉर्मूले को भी बॉक्स में बंद करें, किसी डेफिनेशन में आपकी जैसे फिजिक्स का पेपर है या केमिस्ट्री का पेपर है उसमें कोई फॉर्मूला है और डेफिनेशन मांगी, जैसे मान लो डाइपोल मोमेंट है द्विध्रुव आघूर्ण, इसमें तो क्या काम करना है डेफिनेशन के साथ साथ हमें इसका फॉर्मूला लिखना है, यूनिट लिखनी है, डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है, बीमा लिखनी है और मात्रक लिखना है और सूत्र देना है इसका, ये चीजें जरूर क्या है, इनसे थोड़ा प्लस पॉइंट रहता है हमारे पास, अच्छा भी लगता है जब एग्जामिनर काफी चेक करता है कि हाँ बच्चों को सारी नॉलेज है, ठीक है बच्चों। तो ये करना है आपको, थैंक यू।